सहारनपुर थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत पैरामाउंट कॉलोनी के सामने कल दिनांक 30 अक्टूबर को महिला से दो अज्ञात लुटेरों द्वारा पर्स छीनकर फरार हो गए थे, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी थानों को दी गई थी। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान ने तुरंत अपने थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग के दौरान कस्बा रामपुर मनिहारान हाथी गेट पर सूचना के आधार पर उक्त मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों को घेर कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में दोनों ने अपने नाम दीपक पुत्र महिपाल निवासी लंढोरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान, राहुल पुत्र पाटिल निवासी लंढोरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान बताया। उपरोक्त अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, लूट का सामान 3000 नगद, एक एटीएम कार्ड, दो चाबी, घर की बड़े वाली एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। उपरोक्त जानकारी आज एसपी सिटी सहारनपुर अभिमन्यु मांगलिक ने पत्रकारों को दी। जी हाँ, ये कल पैरामाउंट अपार्टमेंट्स में, जो सदर बाजार थाना क्षेत्र में आता है, उसमें एक महिला के साथ एक छिनैती हुई थी, जिसमें महिला का पर्स, मोबाइल और पर्स में रखे 3000 रुपये और कुछ पर्स में रखा कुछ अन्य सामान इन दो शातिर लुटेरों ने वहाँ से लूट लिया था। उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, मोटरसाइकिल के नंबर को आइडेंटिफाई करते हुए हर जगह वायरलेस पे सूचना दी गई थी। रामपुर मनिहारन पुलिस ने उस सूचना पे कार्य करते हुए इस मोटरसाइकिल को इंटरसेप्ट किया, इन दोनों लुटेरों को पकड़ा और पूछताछ पे पता चला कि इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। इन दोनों लुटेरों का नाम, एक का नाम है राहुल उर्फ पाटिल और दूसरे का दीपक, दोनों रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र में रहने वाले ही हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी है और इसमें कल की लूट की पूरी 100% इसमें रिकवरी हुई है। और जो मोटरसाइकिल जिस पे सवार थे, वो भी पता चला कि वो भी इनकी चोरी की मोटरसाइकिल थी, जो 27 तारीख को हसनपुर चौकी क्षेत्र से ही चोरी हुई थी। तो क्या क्या सामान बरामद हुआ है? इनके पास महिला का पर्स बरामद हुआ है, उसमें 3000 रुपये लूट के थे वो बरामद हुए हैं, उसका एटीएम कार्ड और कुछ अन्य वस्तु बरामद हुई और मोबाइल फोन भी बरामद हुई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।